फ्रेंड्स, आज हम ड्राई काढ़ा बनाएंगे। ये सर्दी के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए हमने लौंग लिए 10 से 12 काली मिर्ची लिए, मतलब ये जावंत्री जायफल लिया। पर इसको हम थोड़ा सा घिसेंगे। ये मुलेठी, अदरक, दो टुकड़े दालचीनी के, बड़ी इलायची और चुटकी भर हल्दी, और ये 1 कप गुड़ लिया है। इन सब चीज़ अदरक को तो हम कद्दूकस कर लेंगे, और इन सब चीज़ों को हम मिक्सी में पीस लेंगे बारीक, या आप कूट भी सकते हैं। हम सबसे पहले गुड़ की चाशनी बनाएंगे। उसके लिए हमने 1 कप गुड़ लिया। इसको थोड़ा सा पानी डाल देंगे, गुड़ के ऊपर ऊपर तक आवे उतना ही बस, ज़्यादा नहीं। इसमें हम 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे जिससे इसमें शाइन रहे। और हल्दी, और जो मैंने मसाले बताए थे वो सब मैंने बारीक दर दरे कूट लिए, वो भी इसमें डाल देंगे। वो हम इसमें अदरक कद्दूकस करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जावंत्री जायफल कद्दूकस कर देंगे। ये ड्राई काढ़ा बहुत फायदेमंद होता है। ऐसे तो बच्चे पीते नहीं, उसको पीने में आनाकानी करते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी पीने में आनाकानी करते हैं। अगर हम इसको ड्राई बनाएंगे तो आराम से आप इसको खा भी सकते हैं। और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो स्पेशल, अगर इसके आप गोलियाँ बना दो तो वो इतने चाव से खाएंगे कि बस, और कहाँ ठीक हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी दवाई ववाई किसी का भी झंझट नहीं। चाशनी बनाएंगे, बनी नहीं है, थोड़ा और पकाएंगे इसको, तो चेक करेंगे। अगर आपको इसे चेक करना नहीं आता तो कटोरी में पानी ले लें और थोड़ा सा इसको डाल दें, इसको ठंडा होने दें। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं उंगली में, दोनों के बीच में। ये देखो, ये तार आ रहा है ना, ये एक तार की चाशनी बनकर तैयार है। अब ये पानी वाला भी आप देखो, अच्छे से जम गया। ये मतलब हमारा परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। एक प्लेट पे हमने बटर पेपर बिछा दिया, उस पर हमने घी लगा दिया, और जो काढ़ा है जो हम इस पर डाल देंगे। और थोड़ा सा हमने रहने देंगे, हम इसकी गोलियां भी बनाएंगे। हम अच्छे से हमने फैला दिया। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, ठंडा होने देंगे, फिर इसके हम चक्कू से निशान बना देंगे। अब हम इसकी गोली बनाएंगे जो हमने बचा रखा था ना, उसकी हाथ पे थोड़ा सा चीनी लेंगे, थोड़ा सा और ये सारे जो है वापस इसको चीनी में ही डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह वापस हम हाथ पे चीनी लगाएंगे। पर ये हल्का सा नॉर्मल होना चाहिए, एकदम आप गरम गरम करोगे तो आपके हाथ जलेंगे। ये अच्छे से सेट हो गई है। कितनी सॉफ्ट और अच्छी क्रंची बनी हुई है। ड्राई काढ़ा बनकर तैयार है। ये सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बना है। इसको आप मुंह में रख के चूस लो, खाना खाने के बाद आप कभी भी इसको चूस सकते हो। इससे खांसी, सर्दी, जुकाम इसमें बहुत जल्दी आराम पड़ता है। और बच्चे को तो आप दोनों साथ में रखोगे तो बच्चे को ज़्यादातर गोली पसंद आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें कि आपको यह कैसी लगी। इसको आप किसी भी एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हो।